तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई हम लोग जो हैं वो थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग बॉडी है। जो कुछ भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में, हमारा एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वर्ल्ड ऑफ इमोशंस है, वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है, और इनमें से ये जो दो है ये हमारी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी, जब हम वर्ड कहते हैं तो हमारी बिकम्स माई एंड माई, तो ये हमारा आइडेंटिटी है या ईगो है। तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमारी फिजिकल बॉडी और उसके एनर्जी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी और नॉलेज। नॉलेज वो है जिसके हिसाब से बॉडी चलती है, एनर्जी वो है कि कैसे सन रे से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, और फूड से वो बर्न होके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलती है आपको। और बॉडी तो एटम और मॉलिक्यूल की बनी हुई है, इसमें 90% वाटर। जो इमोशंस और थॉट्स हैं, इमोशन का सीट हमारा हार्ट हो सकता है और थॉट्स का सीट हमारा इंटेलेक्ट या ब्रेन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानाम, ये चित्त है, दिस इज द चित्त, दिस इज द नॉलेज ऑफ 60 million years stored in our genes which runs the body। और इस नॉलेज से अगर हमारी इस इंटेलेक्ट का जरा भी कॉन्टैक्ट आ जाए तो इस इंटेलेक्ट की पावर योग के हिसाब से 100 times बढ़ जाती है। ठीक है, जब तक ये इंटेलेक्ट हमारा, ये इंटेलेक्ट जब तक की मी और माइंड के अधीन है तब तक इसकी पावर 1 है का, पर जिस समय ये इंटेलेक्ट इससे कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस है वो के योगिक क्रियाओं से आ जाता है, तो उसकी कम से कम पावर जो है 100 times बढ़ जाता है, पावर टू डू गुड। ठीक है, तो ये जो हमारी बॉडी है फ्रॉम बर्थ टू डेथ इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस कहाँ, चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस, चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द चेंज is perceived by our senses, हमारा आई, हमारी हियरिंग, हमारा टच, हमारी स्मेल, हमारा टेस्ट, इससे चेंज परसीव होता है। और ये जो चेंज परसीव होता है ये by the nervous system it goes into a series of neurons. A series of neurons, let us say A, B and C. इसके through impulse pass हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे बादल में बिजली कड़क जाए, एक direction होता है ना बिजली, तो उस stimulus जो है अगर painful या pleasurable है, अगर painful या pleasurable है
तो साइनेप्टिक रेजिस्टेंस इसके ये साइनेप्सिस के रेजिस्टेंस घट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्टिमुलस आएगा तो इट विल बी इजीली एबल टू स्टिमुलेट द सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स क्रिएटिंग द इंप्रेशन ऑफ पेन, इट विल बी एबल टू क्रिएट इमोशन। अगर ये स्टिमुलस न्यूट्रल है, नाइदर पेनफुल नॉर प्लेजरेबल, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दैट मींस खाली एक को स्टिमुलेट करके स्टिमुलस रह जाएगा और आगे का कोई एक्टिविटी नहीं होगा, थॉट में नहीं आएगा, फीलिंग में नहीं आएगा और एक्टिंग में नहीं आएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस के बढ़ने को हम लोग कहते हैं हैबिचुएशन, और रेजिस्टेंस के घटने को हम लोग कहते हैं रीइंफोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग यू आर स्टैंडिंग वेटिंग, यू हैव कम टू नो दैट डॉक्टर जीके सिंह इज कमिंग इन, लेट अस से न्यूयॉर्क, एंड ऑल ऑफ यू देयर कलेक्ट कि सर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, और बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं तुम्हारी आई पे रेटिना, और उनमें से कोई भी तुम्हारे माइंड में नहीं जा पा रहे, ठीक है, सब इग्नोर हो रहे। पर जैसे ही तुम्हें तुम्हारे सर दिखते हैं, वैसे ही वो सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स जिन्होंने की उनकी पिक्चर बना रखी है वो तुम्हें रिकॉल हो जाते हैं, उनके सारे जितने तुम्हारे प्लेजरेबल इंपल्सेस हैं कि क्लास में इन्होंने ऐसे पढ़ाया था, फिर ऐसे पढ़ाया था, फिर ये किया था, वो सारे रिकॉल हो जाते हैं, और रिकॉल होके तुम्हारा थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग, फीलिंग में एक हैप्पीनेस आती है और एक्टिंग में यू एक्ट एंड वेलकम। सो दिस इज द बेसिस ऑफ behavior, this is the neuronal basis of behavior, how you act and how people act. So let us try to find out how to use this system, how to use the system to become a good professional, a good doctor, or a good nurse. So one of the best and the most important ways is that you be in the shoe of your client. Tumhara client kaun hai? Mareez hai, uske relatives hai. So you, if you are in the shoes of the client, in the shoes of your client, you will think, feel and act like him. This is called as? Empathy. This is called as? Empathy. Empathy is different than? Sympathy is usually only associated with feeling. A feeling sympathetic may be shedding tears but doing nothing. And here, what is required? Doing. Doing, and in doing you are using your base knowledge of thinking. Of your memory, you are using your memory of your classes and of your books, so that your action becomes efficient. So this is what you know. And this is the part that is needed
for benefiting the maximum patient maximum. So this is the interaction. This is exactly what you can do. क्योंकि इतना तो तुम जानते ही नहीं ना, इतना तो मेमोरी में है ही, और ये मरीज को नीड करते हैं. इंटरसेक्शन इज व्हाट यू विल डू एंड ऑल दिस विल डिपेंड ऑन योर थिंकिंग टू एक्ट. And what will feeling do? Feeling का क्या रोल है? Feeling can impede this, or feeling can advance this. Empathy can advance this, but fear. हमारे पास तीन चीज है, फाइट फ्लाइट या फ्राइट. फ्राइट विल डैमेज. फाइट एंड फ्लाइट इज ओके. ओके एंड व्हाट इज द फियर? फियर इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों डर रहे इंतजार देते हो? क्यों डरते? नॉलेज, इम्प्रॉपर नॉलेज से क्या होगा? फेल हो जाओगे. रिजल्ट्स का डर होता है. बहुत बड़ा रिजल्ट्स का डर. फल का डर होता है. फल में आ सकती है कि मैं पास हो जाऊं. अगर फेल हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा. तो फेल हुए नहीं हो, पर वो फ्यूचर में फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोच सोच के हालत खराब. तो फियर से क्या होता है कि थिंकिंग फीलिंग एक्सेस में इंपेडिमेंट होने लगता है, इसलिए एफिशिएंसी खत्म हो जाती है. इसलिए गीता में कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम. फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल में आसक्ति नहीं माननी चाहिए, फल में सम होना चाहिए. हो जाए तो भगवान की कृपा सुख नहीं, और ना हो तो दुख नहीं, क्योंकि वो भी भगवान की इच्छा. भगवान की इच्छा हमेशा अच्छी होती है. तो तीन चीजों में अगर तुम्हारे में इनकल्केट हो जाए तो तुम थिंकिंग एक्टिंग मशीन हो जाओगे. थिंकिंग फीलिंग एक्टिंग नहीं रहेगा. और वो है सुख दुख सरस, सुख दुख समर, प्रशंसा गारी. प्रशंसा भी एक तरह का आसक्ति है ना, प्रशंसा गाली लगे तो सुख दुख सरस प्रशंसा गारी. अच्छा फियर क्यों नहीं? फियर की मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो भगवान ने 9वें अध्याय में गीता में कहा कि आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड कैरी फोर्थ व्हाट यू डोंट. हनुमान जी को समुद्र लांघने की जरूरत पड़ी तो समुद्र लांघने की ताकत आ गई. और बंदर में ताकत तो नहीं होती ना समुद्र लांघने की. तो आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव इफ यू एक्ट फॉर मी, इफ यू एक्ट फॉर द यूनिवर्स, if you act for paritranaya sadhu naam vinashaya cha dushkatam dharma sthapanartaye. agar ram kaaj lagta ho avtara, agar ram ke kaaj ke liye tumhara avtar hua hai, to I preserve what you have and carry forth what you don't. theek hai, to fear nahi hota. hum orthopedic surgeon OT mein baith ke next patient please, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, आर्थरोस्कोपी करने में खुश रहने वाले, हमसे कह दिया एक पटना बना दो. अरे बाप रे बाप, कैसे बना दो भैया? कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कैसे बना दोगे? तो बन गया ना, बिकॉज आई कैरी फोर्थ व्हाट यू डोंट.
अगर तुम में नहीं है ताकत तो भगवान ने काम दिया है तो ताकत आ जाएगी। इसलिए इस बिलीफ पे, इस विश्वास पे दो फायदे होंगे। पहली बात तो ये रियलाइजेशन, डर नहीं लगेगा करने में, और दूसरी बात ये रियलाइजेशन रहेगा कि भैया भगवान की कृपा से हुआ है, अहंकार नहीं आएगा। तो ये वाली बात, ये कि जागत सोवत शरण तुम्हारे, तुम्हें छाड़गत दूसर नहीं, तिनके हृदय प्रसन्न होता है। इतना सुंदर है, सुख दुख सरस प्रसन्न सागारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, यह नहीं है तुम प्रोवाइड करो, तुम्हें छाड़गत दूसर नहीं। आई नो दैट ऑल एनर्जी फ्लोस फ्रॉम यू ओनली, है ना। कृष्ण ने कहा कि हम सर्वस्य प्रभु, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल, मत्ता सर्व प्रवर्तते, एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मूव्स बिकॉज ऑफ मी, है ना। ये सोच के तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, आई नो दैट द सोर्स ऑफ ऑल मूवमेंट इज यू ओनली, तुम्हें छाड़गत दूसर नहीं, देयरफॉर आई डिपेंड ऑन नोबडी एल्स, तिनके हृदय बसो रहा है। दो चौपाइया है, कष्ट तो क्लियर कॉन्सेप्ट, सुख दुख सरस प्रशंसा गारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़गत दूसर नहीं, तिनके हृदय बसो रहा। यू लिव लाइक दिस, देन यू विल बी 100% एफिशिएंट। And if you can connect to that knowledge, which is the life force, if your intellect can connect to it even a little bit by meditation, then your intellect will be 100 times more powerful. And your source of information and knowledge that you need is not the books, is not the teachers. It is the attention that you give to the event that you must respond. उसको जो attention देते हो ना, उस event को concentrate करते हो, उससे knowledge आ जाती है कि क्या करना। क्योंकि no teacher can prepare you for all events that will occur in your life. तो I think one of the best ways to think, feel and act optimally in the situations that you feel in life is Sukh Dukh Saris Prasansagari Chagat Sovat Saran Tumhari Tumhai Chhaadagat Dusar Nahi Tumke Hirdai Pasavrana Aap Hamare Hirdai Mein Aisi Vastu, है ना। तो ये टोटल सरेंडर है। जब हृदय में बसते हैं तो प्रेरणा कौन देता है, वही देता है। ऑलराइट, काम कौन देता है, वही देते, ताकत कौन देता है, वही देते, सक्सेस कौन देता है, वही देते, फेलियर कौन देता है, वही देते। इसलिए जो हनुमान जी जब समुद्र पार करने चले हैं, उनका एक डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन जानते क्या है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाला ते ही भांत चले हुए। अब आप ये बताओ, जो बाण होता है उसमें अपनी बुद्धि होती है, बाण में बुद्धि होती है, तो उसमें थिंकिंग फंक्शन नहीं। बाण में मन होता है तो उसमें फीलिंग फंक्शन भी नहीं। बाण इज ओनली एक्टिंग, है ना, इट्स ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ समबडी हु हैज थिंकिंग एंड फीलिंग, एंड इफ दैट थिंकिंग एंड फीलिंग पर्सन इज गॉड, देन यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। नाइदर द पावर इज योर्स, नॉर द डायरेक्शन इज योर्स, नॉर सक्सेस इज योर्स, नॉर फेलियर इज योर्स, राइट, ऑल बिलोंग टू इट। And therefore, that is the best way to act. इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म में प्रभु के साथ जुड़ जाना, योग
becoming his instrument is what is called as Karma Yoga. हनुमान जी ने पूछा कि भैया अरे बाप रे बाप, रामचंद्र जी नहीं पूछा, पहले तो कहा सुन सुत तोय उरड़ महिनाही, देखो कर विचार मन माही। भगवान पार ब्रह्म कहता है कि हम तुमसे उरड़ नहीं हो सकते, है ना। सपोजिंग द होल यूनिवर्स और जिसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स हो, वो तुमसे ये कहे कि मैं तुमसे उरड़ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तो तुम कहां पहुंच जाओगे? सातवें आसमान, हजारवें आसमान पे पहुंच जाओगे? नहीं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ईगो आ जाते थे। तो हनुमान जी ने क्या कहा उनसे, पुन पुन प्रभय विलोक मुख, बार बार उनका चेहरा देखा जाकर, गात हर्ष हनुमन और रोम रोम उनका पुलकायमान हो गया, चरण परे प्रेमांकुर, चरण पर गए और त्राय त्राय भगवत, त्राय त्राय बचाओ बचाओ बचाओ, किससे बचाओ? ईगो से बचाओ, अहंकार से बचाओ, है ना। तो उसके बाद बड़ा सुंदर चित्रण है, वो कहते हैं बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन तन उठवन पावा, बार बार उठाया अब नहीं उठे, प्रभु कर पंकज कप कर सीसा, पैर छोड़ते नहीं है तो हाथ से सर सहरा डे, प्रभु कर पंकज कप कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, सावधान कर मन पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर पार्वती को सुना देना, प्रभु उठाए कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा, कौ कप रावण पालित लंका, कैसे पालता है, कहे पे दयाव दुर भयानक दुर था तुमने कैसे जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, नो प्राइड, शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा मृग जो है, शाखा मृग मतलब बंदर, शाखा में रहने वाला जानवर, शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाए, एक शाखा से दूसरी शाखा तक तो छलांग लगा रखता, नाग सिंधु समुद्र नांग हटक पुर जारा, निश्चर गन विद विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभु का, ताका प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बढ़वा न लही, जार सके कल तूर, जंगल की बड़ी आग को एक छोटी चिंगारी जला दे, इतनी ताकत होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये मत समझना जिंदगी में कि जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुमसे होगा नहीं, 100% हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कूद पड़ना है। ये नहीं कहना ये क्यों नहीं हुआ, ये नहीं कहना ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया टिकाना हो गया इसलिए नहीं हुआ, नो, बाण की तरह जीना है, हनुमान की तरह जीना है, हिम अमोग रघुपति कर बाना, ते ही भाग चले हनुमान, टोटल कर्मयोग, बाण की तरह है, हनुमान की तरह जीना, क्या करना है, परित्राणाय साधुना, विनाशाय च दुष्प्रसाद, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है इसीलिए संभव होते हैं पृथ्वी पे कि ये पर्पजेस, तुम भी इसीलिए अगर यही काम करने लगो तो क्या काम कर रहे हो, राम काज कर रहे, है ना। इसलिए कभी भी अपने फंक्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं, और हमेशा थिंकिंग एक्टिंग एक्सेस को फीलिंग को आउट रखना, उससे इम्पीड मत होना, फीलिंग से एम्पैथी लाके, फीलिंग से दया करना, ये सब चीज एम्पैथी लाके, फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना, बट घबराना नहीं, फाइट और फ्लाइट तो करना, फ्राइट नहीं। ठीक है, तो ये जो जीवन में इससे जो है बिहेवियर से सीखा, हैबिचुएशन सीखा, रीइन्फोर्समेंट सीखा, बिहेवियर सीखा, स्टिमुलस सीखा, तुम्हारी पोजीशन क्या है ये सीखा, वर्ल्ड की पोजीशन क्या है ये सीखा, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रही है ना,
और कैसे इस वर्ल्ड में एफिशिएंटली किया जाए, ठीक है। तो अब इस साइकोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकोगे तो बहुत अच्छा होगा। पर एक बात ये बताओ कि तुमको जो मालूम है और जो मुझको नहीं मालूम है, अब तुम लोग बताओ तुमने साइकोलॉजी में क्या सीखा इसके अलावा। तुमने मोटिवेशन सीखा, ये मोटिवेशन एक्सरसाइज है। एग्जांपल देखा मोटिवेशन सब कंपोनेंट्स आ गए नहीं? Yes, sir. तो इस सिस्टम में जो जो तुमने नए टर्म सीखे हैं वो ऐड कर लेना, और जो तुम ऐड कर लोगे तो तुम्हारा क्लास कंप्लीट है। तुम्हें मान लो मैं जब परसेप्शन पूछ रहा है तो सेंसेशन का मतलब है ना, क्योंकि तुमने तो उसका कौन सी चीज कहां हो रही है, विच एक्शन इज अकरिंग वेयर इन द साइकिल ऑफ योर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अल्टीमेटली क्या है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, appropriate and timely response to a stimulus is your thinking action field, knowledge skill field, बस ये है साइकोलॉजी मेरे ख्याल से, इसके अलावा नहीं। वैसे तो तुमने इसमें बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े नाम सीखे होंगे, उनकी डेफिनेशन सीखी होंगी, पर हमने उसको प्लेस कर दिया, तुम्हारे ही अंदर प्लेस कर दिया कैसे चलती है, ठीक है। अब उसको बंद कर दे, पता नहीं वो चला गया कोई बात। और बताओ तुमने और क्या सीखा, रिकॉर्ड करो साइकोलॉजी की क्लास, ठीक है वो सेव हो जाएगा आगे। सर हमने वो अलग अलग पढ़ा था लेकिन आपने कोरिलेट कर दिया तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सब आ गए, कुछ नहीं बचा। सर अभी तक जितना भी सिलेबस था वो सारा क्लियर हो गया। तो ये कहते हैं कि सारा सिलेबस जो उन्होंने आज तक पढ़ा था सर जितने टॉपिक्स कवर हुए थे वो सारे आपने सारे हमने एक्सप्लेन कर, ठीक है बंद कर।